कश्मीरी गेट, गेट नंबर 5, ठीक है। और हम जा रहे हैं अब बनारस, वहीं थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाएंगे। मतलब एक बनारस का ट्रिप लगाने वाला हूँ, जहाँ पर मतलब काशी विश्वनाथ और जो वहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स हैं, मंदिर हैं, वो सारे विजिट करूँगा वहाँ पे जाकर। और आज डेट जो है वो है आपका 17 तारीख है, 18 वहाँ पहुँचेगा। मैंने मंडे ट्यूजडे को छुट्टी ले लिया है, तो चलो एक नया ट्रिप स्टार्ट करते हैं। बस जो मैंने बुक किया है वो है आपका श्री सरोज ट्रैवल्स, ठीक है। बस का जो किराया लिया है उसने लिया है, स्लीपर का है, और किराया उसने लिया है 1100 समथिंग है। ये वही बस आ गई है श्री सरोज ट्रैवल्स। बस का कंडीशन में दिखाता हूँ कैसा है, नहीं है मेरा पता नहीं, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। ये है बस, भाई महेश के नाम से देखना, रितेश कुमार, रितेश कुमार जो पहुँचो, 9 नंबर सीट है, आगे से दिल्ली और 9 में बैठ लीजिए, पता सर सीट पे महेश देखो, महेश के नाम से महेश भाई, बारह महेश खाना ठीक है चाहिए भाई, बारह से जाएगी ना। हाँ जी हाँ जी, ऑनलाइन बुकिंग नहीं आपकी है, पानी मिलेगा ना तो ऑनलाइन है, क्या नाम है, बोतल पानी मिलेगा ना, क्या मिलेगा सोनाली। ये है बस तुम्हारा इसमें, और भैया आगे वाले तुम्हारा कहता चढ़ गए ड्राइवर साहब, ये भाई है पता नहीं, अच्छा वीडियो बना रहे महेश के नाम से, कौन सा है किसने का नाम है, महेश, महेश राणा, महेश, अरे छोटू इधर गिर जाएगा, इधर US3 है ये भाई, US एक मिनट आप यहां बैठ जाओ, ओ बड़े भाई अंदर गए थे, तुम्हारा क्या है भैया ये 9 नंबर है क्या, लिखा यार ये ऊपर लिखा हुआ। बस की कंडीशन तो ठीक ठाक है, सॉकेट वगैरह दिया हुआ है, बट चलना चाहिए, और कंबल भी है। चलो बस भी चलता है, चलो मैं आगे अपडेट कर पा रहा हूँ। ये बस चल पड़ा है, थोड़ा सा जाकर पूछते हैं कि कितने बजे सुबह छोड़ेगा बनारस। भाई कितने बजे सुबह छोड़ेगा बस बनारस, रात हो गया बनारस में, मतलब वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहा हूं अभी से, मजाक चालू है क्या बात है, देख लो भाई मजाक, ठीक है दिल्ली बाहर आ जाने, तो ठीक है बस बनारस की, मतलब बनारस कितने बजे, मतलब 9 बजे निकल जाता, 9 बजे तक बस जो है 9 बजे इंटर कर जाती है बनारस में, ठीक है ये बेटर है। डाल दियो भाई फेसबुक में, हाँ हाँ बिल्कुल कमेंट में डाल दियो भाई। चलो फिर धीरे धीरे मैं अपडेट करता हूँ, चार्ज में लगा हुआ है, मैंने लाइट ऑन नहीं किया, भाई ये यहाँ पे होता है
गाड़ी जा रही है भाई, थोड़ा ना इस बार थोड़ा सा तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, बनारस हो या फिर और कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करना करेंगे। और बीच में भी मैंने छोड़ दिया था, कुछ ज़्यादा ही मतलब दिमाग काम नहीं करता था थोड़ा सा, इस वजह से कहीं घूमने में नहीं जा रहा था। एक आई थिंक डेढ़ महीने से कहीं नहीं गया उधर, और उधर मैं रेगुलर जा रहा था रेगुलर, बट फिर से स्टार्ट कर दिया होगा। दिमाग में होता है ना कुछ कुछ चलती रहती है, तो थोड़ा सा रुक गया था, फिर से चलो अपनी दुनिया में वापस। तो ये है सिचुएशन और ये है दृश्य NCR का। घूमने तो यार मज़ा आता है तुम्हारा इसी में, बस वगैरह में और अकेले में ही मज़ा आता है, बस एक बार निकलने की देर होती है, ठीक है, उसके बाद सब सही चलता है। पर जब तक हम निकलते नहीं ना, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है कि कैसे होगा, कैसे आऊँगा, कहाँ होगा, बहुत बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा मन में ये रहता है कि यार अकेले में जाते हैं तो अकेले कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, बट अकेले बहुत अच्छा रहता है। मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ आपको कि अकेले घूमना चाहिए, ठीक है, इससे ना थोड़ा सा माइंड जो ब्रॉड होता है, वाइड होता है, हमें मतलब अजीबोगरीब ख्याल वगैरह नहीं आते हैं। और ये हम पीस में चढ़ रहे हैं, सीने तो उतना कुछ दिखाने लायक है नहीं है, तो जो भी होगा अब कल सुबह ही होगा। 9 बजे उन्होंने बोला कि 9 बजे बनारस जो है उतार देगा, तो वहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। और उससे पहले मुझे देखना है सारी चीज़ें कि मतलब सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, क्योंकि 9 बजे आई थिंक आरती वगैरह तो नहीं देखूँगा, नहीं शाम को होता है आई थिंक आरती वरती, चलो यार पता कर लेंगे, ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे बनारस के बारे में, तो थोड़ा सा गूगल कर लेंगे क्योंकि पहले देख लेंगे, ठीक है। और क्या क्या करेंगे, बहुत कुछ है कर सकते, चलो हम देख करते हैं। कितना टाइम लगेगा पहुंचने में अभी हमें, ठीक है।
सिर्फ 30 मिनट यहाँ से चले। अरे स्टॉपेज कहाँ पे, कहाँ पे छोड़ दिएगा हम लोग? और वहाँ से मैं मुझे 80 घाट का कितना लगेगा पहुँचने में, कितना टाइम? वहाँ से आपको 80 घाट अगर टेम्पो से जाएंगे तो 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट ना, ठीक है। बता रही थी वहाँ पे जाते टेम्पो वाले सावधान। हाँ बोल, टेम्पो वाले से जो थकते हैं लोग वहाँ पे डबल डबल रेट हरिद्वार में भी मैंने देखा ना, वहाँ पे लोग देखा, दिल्ली में भी टेम्पो वाले पैसे नहीं बोलते जितना ये मुंह खोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि फॉरेनर वगैरह यहाँ पे आते हैं तो भोजन खाते हैं बहुत। ये बाकी अभी आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे, फिर वहाँ से मुझे 80 घाट पहुँचने में 10 से 15 मिनट लगेगा, आराम से चल रहे किराया। बाकी बस फिर एक्सप्लोर करते हैं बनारस को, देखते हैं क्या है। अच्छा ये लास्ट स्टॉपेज बस का वही है क्या? अच्छा ये वही दिल्ली से बनारस जो है ये बस का नाम है श्री सरोज ट्रैवल्स, और ये मतलब डायरेक्ट ले जाता है आपको दिल्ली में 8:20 बजे छोड़ती है और बनारस 9 बजे उतार देती है। ये बस का कंडीशन बहुत अच्छा है, मतलब सोया रहा थोड़ा बहुत सो गए एकदम तरीके से। जय श्री राम। देखते हैं तो भाई चलते हैं। आया भैया आखिरी स्टॉप आ गया, आया सभी लोग भैया। ये भाई यहाँ का बस स्टैंड, ये बगल में चाय वगैरह पी रहे हैं लोग, चाय पी रहे हैं। अब चलते हैं करके घाट है 80 घाट, वहाँ पर चलते हैं होटल वगैरह देखते हैं। ऑटो वाले भाई साहब हैं ये बोल रहे हैं यहाँ से मतलब 250 भी लगता है, बट 20-30 रुपये कम करेंगे तब देखते हैं। चले ये है बस स्टैंड, जब दिल्ली से आओगे आप यहाँ पे तो यहीं पर उतरोगे, ठीक है। और ये राधा कृष्ण समथिंग कुछ ये है पेट्रोल पम्प, वहीं पर छोड़ता है। और यहाँ से 80 घाट जो है अराउंड 12-13 किलोमीटर है, जिसकी वजह से इतना बजे। चलो फिर बैठते हैं, हम निकलते हैं आराम से। और ये है बनारस की रोड।